प्रकार की बीमार कर देने वाली प्लास्टिक से बने हुए कूलरों को दोस्तों तुरंत आपको तोड़ देना चाहिए। जो अच्छी प्लास्टिक से बने हुए कूलर होते हैं इस प्रकार कभी नहीं टूट सकते, और यह थर्ड प्लास्टिक से बने हुए कूलर, यह देखे दोस्तों, सड़कों से और कूड़ा घरों से चुगी हुई पन्नियों की प्लास्टिक से बने हुए इन इस प्रकार के कूलर की बॉडी में जो प्लास्टिक लगी हुई होती है यह बहुत ही स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होती है। इसकी हवा के साथ साथ इसकी प्लास्टिक भी घुलती रहती है और वेपर के साथ हमारे शरीर के अंदर जाती रहती है। दोस्तों एक अच्छे कूलर में वाटर पैड कैसा होना चाहिए, हनीकॉम पैड होना चाहिए या वुडन पैड होना चाहिए, कूलर के ब्लेड कैसे होने चाहिए, गोल होने चाहिए या लंबे होने चाहिए और प्लास्टिक के हों या मेटल के होने चाहिए, कूलर के संबंध में ऐसे ही बहुत सारे सवालों, गुणों और अवगुणों के संबंध में आपको जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रोवेव नागल। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज के बाद कूलर को यूज करने या कूलर को खरीदने के संबंध में आपका नजरिया पूरी तरीके से बदलने वाला है। जो भी कूलर पानी से ठंडी हवा देगा उसको डेजर्ट कूलर बोलते हैं। डेजर्ट कूलर इज ए डिवाइस दैट कूल्स एयर थ्रो द वेपोरेशन ऑफ वाटर। जैसा कि यह कूलर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह सिंफनी का जंबो मॉडल है और जो यूजर इस कूलर को यूज करते हैं और कोई दूसरा कूलर भी यूज करते हैं वह जरूर जानते होंगे कि इस कूलर से ठंडी हवा किसी दूसरे कूलर की नहीं होती। इसके अंदर कोई एसी का कंप्रेसर नहीं लगा हुआ है, न ही इसके अंदर कोई फ्रीजर लगा हुआ है, फिर यह ठंडी हवा क्यों देता है? ऐसा नहीं है कि इस सिंफनी के कूलर में ही कोई जादू है, यही ठंडी हवा दे सकता है, कोई दूसरा कूलर नहीं दे सकता। बिल्कुल दे सकता है, परंतु क्या उसके अंदर होना चाहिए? जैसा इसकी बॉडी आप देख रहे हैं तो साइज के अनुसार यह बहुत बड़ा कूलर है, जबकि इसके अंदर पानी का टैंक आप बहुत छोटा सा देख रहे होंगे। और इसकी जो वाटर पैड का साइज आप देख रहे हैं, इस साइड में भी काफी बड़ा है, इस साइड में भी काफी बड़ा है और इस साइड में भी काफी बड़ा है, यानी तीन तरफ इसमें बड़े बड़े वाटर पैड लगे हुए हैं। और बहुत तेज इसकी हवा नहीं होती, बहुत धीमी धीमी इसकी हवा होती है। अब यह हवा को ठंडी कैसे करता है कोई दोस्तों, एक साइंटिफिक रीजन मैं आपको बताता हूं। आपने अक्सर देखा होगा कि एक मिट्टी के घड़े में जब आप पानी रखते हैं तो उसमें पानी रखने के कुछ देर बाद ऑटोमेटिक पानी ठंडा होने लगता है। यह एक नेचुरल फिनोमिना है। घड़े के अंदर रखा हुआ पानी धीरे धीरे रिसाव के कारण उसकी बाहरी सतह तक आने लगता है और गर्मी के कारण घड़े की बाहरी सतह पर आए हुए पानी के मॉलिक्यूल्स गर्मी पाकर वाष्प बनकर उड़ते रहते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स घड़े की सतह से हीट लेकर वाष्प बनकर उड़ेगा तो वह घड़े के अंदर ठंडक छोड़ जाता है, इसलिए घड़े के अंदर का पानी ठंडा होता रहता है। वही प्रोसीजर एक कूलर के अंदर भी होता है। तो जैसे ही हमारा यह वुडन पैड गीला होगा, यह वुडन पैड हो या हनीकॉम पैड हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कोई सा भी पैड लेंगे, पानी से गीला होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी झरने की तरह से पैड पर बहता रहे। बहुत सारे कूलर में आपने देखा होगा कि पंप अधिक पानी उठाता है और यहां झरने की तरह पानी बहता रहता है, वह कूलर कभी भी ठंडी हवा नहीं दे सकता। कुछ देर के लिए जब चलेगा तो हल्की हल्की पानी की बूंद फेंकेगा जो आपके शरीर को लगेंगी, थोड़ी देर ठंडक महसूस देगी, उसके बाद गर्म हवा लगने लगेगी और मॉइस्चर पैदा हो जाएगा। जब यह पैड पानी से गीला हो जाएगा तो बाहरी गर्मी के कारण पानी वाष्प बनकर उड़ेगा और अंदर ठंडक छोड़ता रहेगा। यही कारण होता है एक कूलर के ठंडी हवा देने का। लेकिन इसमें भी कई सारी पेचीदगियां हैं। यदि हमारे कूलर का एयर थ्रो और उसके पैड के साइज का कॉम्बिनेशन सही नहीं है तो कूलर ठंडी हवा नहीं देगा, क्योंकि जब भी बाहर की सतह का पानी गर्मी लेकर उड़ने की कोशिश करेगा और यदि यहां से कूलर तेजी से हवा को सख कर रहा है तो वह वाष्प भी कूलर के अंदर ही चली जाएगी और वही वाष्प कमरे के अंदर मॉइस्चर पैदा करती है। तो यदि आपका कूलर बहुत तेजी से हवा देने वाला है तो उसी के अकॉर्डिंग उसके पैड का साइज भी होना चाहिए। जैसा कि कूलर खरीदते समय आप यह देखते हैं कि कूलर की हवा कैसी है, कूलर की हवा बहुत तेज है तो हम उसको खरीद लेते हैं और यदि हवा कम है तो उसको छोड़ देते हैं। हवा तो हमारा सीलिंग फैन भी दे रहा है, कूलर से तो हमको ठंडी हवा चाहिए। तो एक कूलर लेते समय सबसे पहले आपका व्यू यह होना चाहिए कि दूर से ही आप कूलर को देखें, खड़े होकर देखें, और खड़े होकर देखते समय आपको कूलर का जो पैड है वह स्पष्ट नजर आना चाहिए। यदि आपको कूलर का पैड नहीं दिख रहा है आसानी से तो उस कूलर को बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि कूलर का पैड जितना अधिक से अधिक खुला रहेगा उतना अच्छा रहेगा और जितना
बड़ा होगा उतना ही अच्छा रहेगा। कुछ कूलर में हम देखते हैं कि पैड हमको दिखाई ही नहीं देता, जैसे सिंफनी का ही मैं दूसरा मॉडल आपके पास ला रहा हूं, इसमें यदि आप देखेंगे तो आसानी से वाटर पैड दिखाई नहीं दे रहा है, हालांकि इसमें हनीकॉम पैड लगा हुआ है। बहुत सी वीडियो में आपने देखा होगा कि जो प्लास्टिक की ग्रिल लगी हुई है इसी की तारीफें हो रही हैं। अरे भाई, ग्रिल के मोटी होने से या बहुत मजबूत होने से क्या मतलब है? यह तो केवल हवा में रुकावट ही कर रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर कुछ फिल्टर के नाम पर बिना मतलब के डिवाइस लगाए हुए हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। कुछ लोग तारीफ करते रहते हैं कूलर में मच्छर जाली होनी चाहिए, जैसे यह एक कूलर मैं आपको दिखा रहा हूं, बड़ा ही क्लासिकल सा मॉडल बनाया गया है, परंतु कूलर के नाम पर यह धब्बा है। इसको खुद हम यूज कर रहे हैं, एक दो महीना इसको यूज किया है, फिर इसको हमने उठाकर रख दिया था। इसके अंदर कमी क्या थी? एक तो इसका जो पैड आप देख रहे हैं वाटर पैड, यह है बहुत छोटा है, केवल दो पैड इसमें लगे हुए हैं, एक इस साइड में है और एक इस साइड में। फैन की हवा तेज है, वाटर पैड छोटे हैं, तो जाहिर है कि यह मॉइस्चर ही पैदा करेगा। इसमें कंपनी ने यहां पर मच्छर जाली लगाई हुई थी, मॉस्किटो नेट लगाया हुआ था, जो एक महीने के बाद डस्ट के कारण पूरी तरीके से चोक हो चुका था और इसने हवा देना बंद कर दिया। इस कूलर की यूट्यूबर या सेलर बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं कि इसको आप कोने में रख सकते हैं, ग्रिल इसकी बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी ग्रिल है। और दोस्तों, आपको पता है कि कोई भी कूलर यदि कॉर्नर में रख के चलाया जाएगा तो वह हवा ही नहीं देगा। तो यह बेवकूफों वाली बातें होती हैं। कुछ लोग तारीफ करते रहते हैं कि वाटर पैड हनीकॉम्ब होना चाहिए और उसकी मोटाई भी अधिक होनी चाहिए। हम मान लेते हैं कि हनीकॉम्ब पैड की मोटाई अधिक कर देने से यदि कूलर ठंडी हवा देता है, तो फिर हमको एक कार्य करना चाहिए कि यह जो हनीकॉम्ब पैड हम देख रहे हैं इसकी मोटाई हम यहां तक कर देते हैं, पूरा मोटर तक मोटा कर देते हैं हनीकॉम्ब पैड को, तो आप समझ सकते हैं कि क्या कूलर हवा देगा। बिल्कुल नहीं देगा। हनीकॉम्ब पैड को मोटा करने से कूलर की हवा ठंडी नहीं हो सकती, बल्कि हवा कम हो जाएगी। और दोस्तों, मैं तो यह मानता हूं कि हनीकॉम्ब पैड से अच्छा यदि आप वुडन पैड यूज करेंगे तो अधिक बेहतर रहेगा, क्योंकि वुडन पैड को आप हर साल गर्मी आने से पहले चेंज कर सकते हैं, जबकि हनीकॉम्ब पैड को चेंज करना आपके लिए मुश्किल रहता है, मार्केट में आसानी से नहीं मिल पाता और बहुत महंगा मिलता है। एक दो साल के बाद जब इसके अंदर डस्ट जमा हो जाती है तो उसको साफ करना बहुत मुश्किल है। किसी ब्रश से या किसी चीज से इसको साफ करने की कोशिश करेंगे तो यह आपका सारा टूट जाएगा। देखिए, यह केवल कागज होता है, गत्ता होता है और कुछ भी नहीं है। आजकल फैशन चल रहा है स्लिम कूलर का, तो जो स्लिम टाइप के कूलर हैं वह कभी भी ठंडी हवा नहीं दे सकते, क्योंकि उनका जो साइड का पैड होता है वह छोटा रह जाता है और पैड का जो टोटल साइज है वह कम हो जाता है। तो इस कूलर की तीनों साइड के जो वाटर पैड हैं, यदि इनका एरिया निकाला जाए तो लगभग लगभग 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर इनका एरिया आ रहा है। जो फैशनेबल कूलर है, जैसे का आपको पैड का एरिया दिखा देता हूं, लगभग 60 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो रही है और चौड़ाई हो रही है 25 सेंटीमीटर। एक पैड का एरिया 1500 स्क्वायर सेंटीमीटर हो रहा है और दो इसमें पैड हैं, यानी इसका एरिया 3000 स्क्वायर सेंटीमीटर हो रहा है। तो दोस्तों, यदि आप कोई भी कूलर लेना चाहते हैं तो उसके वाटर पैड का एरिया, उसमें दो वाटर पैड हो या एक वाटर पैड हो या तीन वाटर पैड हो, सभी का एरिया आप निकालिए और 7000 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। अब अगला बिंदु आता है कि कूलर का मटेरियल प्लास्टिक का हो, फाइबर का हो या मेटल का होना चाहिए। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कूलर यदि मेटल का है तो हवा ठंडी रहती है, आपने अनुभव भी किया होगा, क्योंकि यह कूलर होता है और कूलर में पानी होता है, तो पानी के बूंदे मेटल के कूलर के बाहर भी लगती रहती हैं और वह पानी की बूंदें गर्मी पाकर तेजी से वाष्प बनकर उड़ती रहती हैं, जिससे कि कूलर के अंदर ठंडक पैदा हो जाएगी। इससे अगली वीडियो में प्रैक्टिकली हम आपको दिखाएंगे कौन से कूलर के अंदर पानी ऑटोमेटिक ही ठंडा हो जाता है और कुछ कूलर के अंदर पानी गर्म हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जिस कूलर के अंदर पानी ऑटोमेटिक ठंडा होता रहेगा वह ठंडी हवा देगा, और जिस कूलर के अंदर पानी गर्म हो जाएगा वह गर्म हवा देगा और मॉइस्चर पैदा करेगा। कूलर के जो मोटर होते हैं वह पानी में रहते हैं तो उनके शॉर्ट होकर करंट आने का खतरा रहता है, तो इसलिए प्लास्टिक के कूलर यूज कर लिए जाते हैं। अगला पॉइंट आता है कि क्या कूलर में मच्छर जाली, मॉस्किटो नेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसा कि
इस कूलर में आप यहां पर देख रहे हैं, यह मॉस्किटो जाली कंपनी ने लगाई है, पता नहीं क्या सोचकर लगाई है, इससे मच्छर रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। हाँ, हवा जरूर अंदर जाने से रुक जाएगी। महीने दो महीने के बाद यह डस्ट के कारण पूरी चोक हो जाती है और कूलर हवा देना बंद कर देता है। और इसके पैड से जो गर्मी पाकर वाष्प बनकर उड़नी थी और अंदर ठंडक जानी थी, वह भी बाहर निकलना बंद हो जाएगी। मतलब कूलर का कोई मायना नहीं रहेगा। इस एक जाली ने बजाय फायदे के और नुकसान कर दिया है। सेलर भी इसकी बहुत तारीफ करके यूजर को बेचने में सक्सेस हो जाते हैं, सिवाय नुकसान के इसका कोई फायदा नहीं होता। यदि जाली लगानी ही है, यदि मच्छर जाली लगानी ही है, तो वह जाली इसके वाटर पैड पर नहीं लगानी चाहिए। मच्छर पानी में पैदा होगा, पानी इसके नीचे है, तो मॉस्किटो जाली यहां से कवर इसको कर देना चाहिए नीचे। और दोस्तों, अगला बिंदु और कूलर के लिए एक बहुत ही अहम बिंदु यह है कि कूलर के ब्लेड गोल होने चाहिए, इस प्रकार के होने चाहिए, या लंबाई में होने चाहिए, प्लास्टिक के होने चाहिए या मेटल के होने चाहिए। वैसे तो यदि कूलर में मेटल का ब्लेड हो और वह भी एल्युमिनियम का ब्लेड हो तो उससे बेहतर कोई बात नहीं है। यदि ब्लेड प्लास्टिक का भी है तो इस प्रकार का ब्लेड होना चाहिए, क्योंकि जिन कूलर में प्लास्टिक के ब्लेड होंगे और इस प्रकार से लंबाई में अधिक और चौड़ाई में कम होंगे, तो ऐसा कूलर आवाज अधिक करेगा। और जिस कूलर के ब्लेड इस शेप में होंगे तो वह कूलर आवाज कम करेगा। तो ध्यान रहे कि एक कूलर लेते समय उसके ब्लेड को जरूर देखें। इस प्रकार का प्लास्टिक का ब्लेड यदि है तो कूलर बिल्कुल न लें। इस प्रकार का ब्लेड है तो आप ले सकते हैं, यदि मेटल में है तो अच्छा है, प्लास्टिक में है तो भी चलेगा। दोस्तों, अगला बिंदु आता है कि कूलर को रूम के अंदर रखना चाहिए या रूम के बाहर रखना चाहिए। कूलर के जो पैड होते हैं, जैसे इसके अंदर तीन पैड हैं, तीनों ही पैड कमरे से बाहर रहने चाहिए, तभी आपका कूलर ठंडी हवा देगा। इसके अलावा एक अपवाद और होता है, बहुत सारी लोकल कंपनियां या अच्छे ब्रांड भी कूलर के ऊपर एक ढक्कन नुमा बॉक्स दे रहे हैं, उसको कहते हैं आइस बॉक्स। बेचते समय सेलर खोल कर दिखाता है कि यह देखिए आइस बॉक्स है, इसमें आप आइस डाल सकते हैं, आपका कूलर एसी की तरह ठंडी हवा देगा। यूजर सेलर की बात मान लेता है और कूलर को खरीद लेता है। दोस्तों, मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं कि आपको अपने कूलर के अंदर कभी भी बर्फ नहीं डालना चाहिए। जिस दिन आप अपने कूलर के अंदर बर्फ डाल देंगे, उसके बाद आपका कूलर ठंडी हवा नहीं देगा। यह एक नेचुरल फिनोमिना है। ट्राई करना चाहते हैं तो मैं आपको वही घड़े वाला एग्जाम्पल दूंगा। एक घड़ा है जिससे आप ठंडा पानी पीने के लिए यूज करते हैं, उसमें आप एक दिन बर्फ डाल दीजिए और आप देखेंगे कि उसके बाद वह घड़ा पानी को ठंडा नहीं करेगा। तो यह आइस बॉक्स वाली बात या आइस डालने वाली बात बेफजूल है। केवल आधा घंटा, जब तक वह बर्फ उस पानी को ठंडा रखेगा तब तक तो आपको ठंडी हवा लग सकती है, उसके बाद ऑटोमेटिक वह पानी गर्म हो जाएगा और फिर आपका कूलर ठंडी हवा नहीं देगा। कूलर का कार्य होता है कि अपने अंदर के पानी को स्वयं ही ठंडा करेगा, और जो कूलर अपने अंदर के पानी को स्वयं ठंडा नहीं कर सकता, वह कूलर बिल्कुल बेकार है, उस कूलर का यूज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इनके अलावा यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करना, और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना। सभी व्यूअर से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कूलर की और कई सारी वीडियो बहुत जल्दी चैनल पर आने वाली। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।